Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. It causes cancer. इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है, तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। यह है फ्लटर गाय, बिजनेस टाइकून, मल्टी मिलियनियर, प्ले बॉय, गैंगस्टर, स्टाइल आइकन। अपनी स्टाइल की वजह से पूरे शहर में मशहूर थे ये। जवानी से ही ये अपने अलग अंदाज में रहते थे। जो भी चीज उन्हें अच्छी लगती थी उसे हासिल कर लेते थे। उनके जीने का एक अपना ही अंदाज था जो और लोगों से अलग था। उनकी बहुत सारी चीजों में से एक और खास चीज थी ये ब्लैक मस्टैंग कार। जितना लगाव फ्लटर को इस कार से था उतना ही लगाव उनके बेटे एडगर को भी था। इसका कारण था कि एडगर इसी कार में पैदा हुआ था और इसी कार में वो पहली बार रोया था जब उसकी माँ की मौत हुई थी, और यही कारण था कि एडगर को इस कार से बहुत लगाव था।
एक्सक्यूज मी, यहाँ शिवा है क्या? कौन शिवा? हाँ शिवा, अरे सुन कहीं उसका नाम कुछ और तो नहीं है? वो तो मैं पता नहीं, पर हम तो उसे शिवा ही बुलाते हैं। मेरे पास उसका फोटो है, ये रहा देखिए। ये प्रयाग है, वहाँ है। गाड़ी तो ठीक है लेकिन इसमें काम बहुत है। और इंजन कहाँ है और धुआं कहाँ से निकलता है कुछ समझ में नहीं आ। शिवा, अरे ये क्या तुम तीनों यहाँ? हम तुम हम सब। डूड, प्रयाग है ना तुम्हारा असली नाम? पर वैसे कैसे पता? भाई गाड़ी की पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, और हाँ ठीक से करना, थोड़ा बहुत इंटीरियर भी चेंज करना पड़ेगा। डन, ये सब तो करना ही पड़ेगा। और इंजन को जरा ट्यून अप भी कर देना, जब भी ब्रेक मारो की साउंड आती है, अच्छे से करना। की आवाज आती है ना, वो ऑयल डालने से ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा। बड़ी अपन को ये काम ना बिल्कुल झक्कास मांगता है। गीता, टॉम कहाँ है? टॉम आज छुट्टी पे है। बाइसेप्स तो आपके मस्त हैं। अच्छा कौन सा जिम जाते हैं आप? विनर जिम। ओ, मेरा जिम उसके पास में ही है। शोल्डर ठीक है, शोल्डर बैक और एब्स एक साथ करने से सिक्स पैक आएगा। इसे छू कर देखो। ओ अच्छा। हाँ हेलो। हाँ ये लड़की तुमसे पढ़ने वाली नहीं है। पापा ऑफिस से आएंगे तो उनको बोल दूंगी। मैं ठीक नहीं कर पाऊँ, ये कैसे हो सकता है? रुको मैं टूल बॉक्स लेकर आता हूँ, तुरंत ठीक कर दूंगा। अरे
अरे इसने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। इसे ठीक करने के लिए जेरी स्पैनर लाने गया है। उसे अपनी पैंट की जिप लगाने नहीं आती, वो इसे क्या ठीक करेगा। हाँ जेरी, वो टूल बॉक्स यहाँ ले आओ, जल्दी लेके आओ। ओके बाय। थैंक यू। मेरा काम बिगाड़ के ऐसे जा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे भाई के मसल्स बहुत अच्छे हैं। ओके बाय। वो तो प्रोटीन पाउडर से बनाए हैं। अपने आप को सलमान खान समझता है। ना 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 ला टा टा टा। हाँ, आ गए? ये सब क्या फैला कर रखा है? चलो हटो। जहाँ से लिया है वहीं जाकर रखो, समझे? भैया ने मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया? कहता है मुझे जिप नहीं लगानी आती। हाँ, ये तो सच है ना बेटा। सबको बताने की क्या जरूरत थी? देख छोटू, तेरी जिप का किस्सा किसी को नहीं बताऊंगा, चल बदला ले ले। अरे बस भी करो तुम दोनों। नहीं छोड़ूंगा। माँ, पिताजी कहाँ? उधर जिम में अपनी बॉडी बना रहे हैं। मैं पापा को बताऊंगा। रुक, अभी बताता हूँ। पिताजी, वर्कआउट करने से पहले आजू बाजू देख लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बेटा, मैंने ये बॉडी तेरे जैसे प्रोटीन खाकर नहीं बनाई है, नेचुरल है बेटा, नेचुरल। तुम्हारी उम्र में तुम्हें कुश्ती में चैंपियन था, अभी भी मेरी पकड़ कोई नहीं छुड़ा सकता, देखना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, वर्कआउट कितनी बार करना चाहिए? वैसे तो पापा, दिन में 2 बार वर्कआउट करना जरूरी है। पहले जैसे स्टैमिना तो नहीं रहा, स्टैमिना बढ़ानी होगी। पापा, स्टैमिना तो बढ़ाइए लेकिन अपनी नियत साफ रखिए, समझ गए ना? समझ गए। ओके पापा, मुझे भी अपना स्टैमिना बढ़ाना है। कैसे बढ़ाते हैं? इका दुका इका, ट्रैवल नहीं चाहिए, मुझे अंडरवेयर नहीं चाहिए, स्कूल नहीं जाना है, ये नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जेरी, अभी तक तैयार नहीं हुए, स्कूल जाने का टाइम हो गया। बेटा बेटा आया माँ। बेटा टॉम, टॉम क्या हुआ? वो स्पैनर, वो प्लायर, वो टूल बॉक्स किधर है? उधर ही है, लेकिन क्या हुआ? फंस गई। फंस गई? हो गया बेटा, अब सब्र करो, थोड़ा ठीक हो जाता है। ये लीजिए। ये क्या ले आई? जिप खोलने के लिए चाहिए। ओहो जेरी, हमेशा बोलती हूँ ना अंदर अंडरवेयर पहनो। बस अभी ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। खून निकल रहा है क्या? दूसरी ड्रेस पहन लो। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जल्दी मेरा राजा बेटा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? ए, बहुत दर्द हो रहा है ना? क्यों उसे तंग कर रहा है? अंकल जेरी स्कूल नहीं आ रहा है? बस अभी आ रहा है, तैयार हो रहा है। विभा, मम्मी, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। ओके, डोंट वरी, भैया किसी को नहीं बताएगा। विभा, किसी वजह से जेरी बाहर नहीं आ सकता, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट वेट करोगी? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, बोलना जरूरी था क्या? तुम्हें क्या हुआ जेरी? कुछ भी नहीं। विभा, उससे कुछ पूछना मत, हाँ प्लीज। विभा, उसके गोद में किसी को बैठने मत देना प्लीज। ओ, मतलब आज पैंट की जिप फंस गई थी। सुनो, तुमको और कोई काम नहीं है क्या? जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे दुकान में ड्रॉप कर दो। कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। क्या मतलब? बताओ तो, आज तुम इतने खुश क्यों हो? जेरी की जिप फंस गई थी इसलिए। वो तो ठीक है, लेकिन गाना क्यों गुनगुना रहे हो तुम?
मुझे गुनगुनाने का मन कर रहा है। अच्छा है, तुम्हारी तरह मैं भी किसी जमाने में गाना गाया करता था, आज भी याद है। आप और गाना गाते थे? सच कह रहा हूँ, जाके माँ से पूछ लेना। ठीक है ठीक है। तुम ये कछुए की तरह गाड़ी क्यों चला रहे हो? थोड़ा तेज चलाओ ना। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें गाना गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अगर तुम आज गाना गा रहे हो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये गाना क्यों गा रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ, छोटा भाई नहीं, समझ गया ना? जाओ। हाँ बोल। बस क्या यार, कहाँ है तू? क्यों क्या हुआ? आज तुम पोस्टर देने वाले थे ना? हाँ पोस्टर देने वाला था तो? अरे वो वर्कशॉप में अगर बैठे हुए हैं। उनको थोड़ी देर वेट करने को बोलो। हाँ लेकिन जल्दी आ मेरे okay. भाई। अरे यस यस। मैंने कहा था ना वो हो जाएगा। टॉम बस पहुंच ही रहा है। क्या ठीक है यार? मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? नो मत लो मत लो, अच्छा नहीं है। नहीं ब्लू मत लो। ग्रीन,
परफेक्ट परफेक्ट। एक्सक्यूज मी यार, एक मिनट कॉल करता हूँ। हाय, बोलिए क्या हुआ? सॉरी, मुझे लगा आप मुझसे कह रहे थे। इट्स ओके, नो प्रॉब्स। सॉरी। हाय, कैसा है भाई? अरे कितनी देर लगा दी यार, वो कब से इंतजार कर रहे हैं। आ गया ना, जल्दी से काम निपटा। कहाँ हैं वो लोग? अंदर बैठे हैं। क्या यार, एक घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो हम लोग 2 ट्रिप लगा लिए होते, कमाल है। और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो, अब टेंशन मत लीजिए। हो जाएगा तो चलना मेरे साथ। क्या हुआ? समझता नहीं है यार। भाई तू ठीक तो है ना? I'm fine. अब बताएगा भी? यार मैंने उसे देखा। किसे? कौन? याद है ना ट्रैफिक में फिल्मों में जैसे हीरोइन की एंट्री दिखाते हैं, याद है ना? उस दिन मैंने बताया था, वही। आगे बता ना। आगे मैंने उसे फॉलो किया और वो शॉपिंग मॉल में गई। फिर क्या हुआ? फिर वो एक दुकान के अंदर गई। यार तू बहुत घुमा फिरा के बोल रहा है, सीधा पॉइंट पे आ जाना। हाँ। फिर मैंने दूसरे नंबर पे कॉल किया। कौन सा दूसरा नंबर? तूने बताया था ना, रोजी और सूजी को अलग तरीके से पटाया था, वही तरीका। अच्छा, वो नंबर वाला तरीका? फिर वो मुझसे आके बात की और सॉरी भी बोली। अच्छा, इसके लिए वो तरीका वर्कआउट हो गया, बड़ा नसीब वाला है। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम तो उसने बताया नहीं। फोन नंबर लिया? नहीं, नंबर भी नहीं लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, हाइक वगैरह कुछ? अरे यार, फिर हम उसे कैसे और कहाँ ढूंढेंगे? हाँ यार, तुम लोग कितना टाइम लगाओगे? अभी आया। अरे रुक, मुझे उसकी गाड़ी का नंबर पता है। हाँ। लव एट फर्स्ट साइट, क्या बात है, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लड़की पहले बस में से दिखती है, फिर दोनों शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और इतने में ही प्यार हो जाता है। उफ़, ये तो कोई पुरानी लव स्टोरी लगती है। ए चुप रहे, फ्रेंड, लव एक गार्डन है। क्या मतलब? और लवर्स उस गार्डन के फ्लावर्स, लाइक रोज, चमेली, चंपा कली। कैसा प्यार है यार, बड़ी खुश हो ना? लव के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखो, हमने अपनी ट्रिप भी कैंसिल कर दी। मुझे तो पागलपन लगता है, एक लड़की के लिए इतना सब करना अच्छा नहीं है। हम फिर भी जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट मीन शी इज अ गुड गर्ल। भाई यू आर वेरी लकी। भाई 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 भाई, गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर दे, उसका घर आने वाला है। यही घर है क्या? यही है क्या? यस 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 यस। अरे भाई गाड़ी रोक, वही लड़की है, वही लड़की है। रिवर्स 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 रिवर्स, पीछे पीछे ले। पक्का वही है ना? वही कार है, वही वही है, सेम कार। सुनो, क्या चाहिए भैया? टैब दो ना। टैब चाहिए? ये ले भैया, टैब दो ना। टैब चाहिए? जाने देता, टैब चाहिए भैया, दो ना। ए छोटे सुन, एक बार जब छुट्टियों में अंकल आंटी के घर गया था ना, तब मेरे माँ बाप की हुई गलती का नतीजा है तू, नहीं तो तेरे आने का चांस ही नहीं था। चल निकल यहाँ से। थैंक्स, लगता है ये पागल हो गया है। अरे सुन। हाँ, क्या हुआ इसे? ये भी ले जा। मेरा टैब किधर है? मेरे बैग में है। अच्छा,
बैग में डाल कर ले जा रहा है। प्लीज प्लीज मुझे स्कूल में ले जाने दो ना। क्यों रे? प्लीज। विभा को शो ऑफ करने के लिए ले जा रहा है। नहीं, मुझे सूरज और दूसरे फ्रेंड्स को दिखाना है, मुझे ले जाने दो ना। सूरज को? उसे तो क्लास में A+ मिलते हैं ना। और तुझे क्या मिलता है? F, G। पढ़ाई पे ध्यान दे अपने अच्छे से, सूरज को दिखाना है। चल। देखता हूँ आज तुम गाड़ी लेके कैसे जाते हो, इसकी हवा ही निकाल देता हूँ। टैब नहीं दिया ना, ये उसी का नतीजा है, भूख तो। अरे अरे रुक, अरे क्या भाग रहा, रुक, गधा कहीं का, वापस आ बताता हूँ। अरे माँ, भैया टाइम क्या हुआ? 9:30। हेलो मसल मैन, गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, हाय। हाय नहीं, हाय रे। क्यों, क्या हुआ? डंबल पैर पर गिर गया, चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मर गए रे। डाइटिंग करते हो क्या तुम? कभी कभी। मैं भी करता हूँ, पर भूख लगने से डाइटिंग के बारे में भूल जाता हूँ। सिक्स पैक बनाने के लिए कितने दिन लगे तुम्हें? 1 साल। तब तो इसके लिए 15 साल लगेंगे ना। प्रोटीन वाटर पियोगे? नो थैंक्स। तुम्हारी जांग भी सॉलिड है, जरा छूने दो ना। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या भाई, चढ़ने में मेरी मदद करो ना। बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे जल्दी, जरा धक्का दो ना मुझे। मुझे सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ हो रही है। फोन पे बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं बस वहाँ बस स्टॉप पे वेट कर रहा था। ओके। गाड़ी को क्या हुआ? आई थिंक कार्बोरेटर में ऑयल चला गया होगा। नो प्रॉब्लम, मैं एक और बार स्टार्ट करके देखती हूँ। मैंने कहा था ना, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है। ओके बाय। अरे ये तो जा रही है, इससे पूछना होगा। नहीं जाने दो, और कभी पूछ लेते हैं। ओके देन, बाय। कहाँ जा रहे हो? मैं यही पास में ही जा रहा हूँ। ओह, मैं भी वही जा रही हूँ। कम इन, आई विल ड्रॉप यू। ओह थैंक यू। By the way, I'm Tom. Oh, hi, I'm Diya. Hey, nice car. I know. Redesigned in Bangalore. Redesigned करने के लिए सिर्फ 3 लाख लगे। बनाने वाला तो अमीर हो गया। इस कार को मर्द नहीं चला सकते, पागल हो जाएंगे। You know, driving is in my blood. हॉर्न सुनाई नहीं देता क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब करती है। तेरी तो वही रॉन्ग साइड से आया ना। हाँ, यू आर राइट। यहाँ का ड्राइविंग कल्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। यू नो, किसी का स्वभाव जानना हो ना तो उसकी ड्राइविंग देख लेनी चाहिए। ए, सीट बेल्ट पहनो ना। हाँ, मैं भूल गया था, सॉरी। सो तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती ना? तुम्हें देख के ही समझ गई थी। हाँ। 1 मिनट। या इट्स ओके। प्रिया, ए सुनना, एक प्रॉब्लम है। क्यों, टिकट नहीं मिली? टिकट तो नहीं मिली, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। फिर एक्चुअली ना, मेरे घर में कोई नहीं। सब लोग कहाँ? सब लोग बाहर गए हैं,
कल वापस आएंगे। एक्चुअली ना मेरे घर में सैम आने वाला है। हेलो ओ हेलो प्रिया, वन मिनट। ओके ओके, मुझे पता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें तो पता है उसकी छुट्टी का लास्ट वीक है और जब घर में कोई नहीं है तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। फिर भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। ओके ओके, तुम फोन रखो। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बाद में फोन करती हूँ ना। लेकिन फिल्म देखने कल चलते हैं। ओके बाय दिया। बाय बाय। दिया आती ही होगी, तुम जाओ। देखो मैं बहुत बिजी हूँ, रुक नहीं सकता। तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मैनेज। श्योर श्योर। एक मिनट रुको, मेरा यह बैग तुम रख लो, इसमें मेरे पुराने केस की फाइल्स हैं। मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा। क्यों? अगर मैं फाइल रखने गया तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। किस केस के लिए जा रहे हो? वो फिल्म वालों का डाइवोर्स केस है, कल फैसला सुनाने वाले हैं। लो दिया भी आ गई। हाय अंकल। हाय। मैं जल्दी में हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया है, see you. चलता हूँ। संभल कर जाना। चले डैडी। चलो। यहाँ किसी और को बिजनेस नहीं करना है क्या? सब कुछ क्या वो डिसाइड करेगा? हम दोनों के पापा ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया था, उसका और मेरा हिस्सा बढ़ चुका है, फिर वो क्यों अपने नाम पर पूरा बिजनेस करना चाहता है? ये नहीं हो सकता। मैंने इस बिजनेस में बहुत मेहनत की है, ये बिजनेस उसके नाम करना तो दूर, मैं उसे एक शेयर भी नहीं दूंगा। देखिए मिस्टर मार्टिन, ये सब मुझे बताकर कोई फायदा नहीं है। आई एम ओनली हिज लॉयर। मुझे पेपर्स बनाकर आपसे साइन करवाने के लिए यहाँ भेजा गया है, दैट्स ऑल। बाकी की बातें मुझे पता नहीं है। अब तो मुझे आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। ओके मार्टिन, आप डायरेक्ट एडगर से बात कर लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ। ओ, तो आपको यकीन है कि मैं मान लूंगा? ऐसा नहीं होगा। ओके सी यू मार्टिन। एडगर वो साइन करने से मना कर रहा है, ही इज वेरी एरोगेंट।
नया शेफ है क्या? गेट मी अ कॉफी। तुम नॉवेल कब से पढ़ने लगे मार्टिन? मैं साइन नहीं करूंगा एडगर। मार्टिन, लेट मी टॉक टू यू। मेरी बात सुनो। एग्रीमेंट पढ़ा क्या तुमने? पहले पढ़ लो, तुम्हें ही फायदा होगा। आई विल गिव यू 20% प्रॉफिट। मेरे लिए 80% काफी है। कॉमेडी कर रहा है मार्टिन। देख, अभी मैं जरा भी मजाक के मूड में नहीं हूं। तेरे लिए बेहतर ऑप्शन यही होगा कि तू साइन कर दे। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। बहुत जल्दी में है क्या? पहले कॉफी तो पी ले। होशियार तो ये किताब भी है। बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। काबिल नहीं है मार्टिन। अब सब कुछ मेरा है। जो तेरा है अब वो भी मेरा है। अब वकील आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो, ये मैं घर से लाया हूँ। हाय। हाय। ऑफिस जा रहे हो? कम इन। ऑफिस तक थोड़ा। दिया। आज भी फिल्म देखने जा रही हो? हाँ। प्रिया के साथ जा रही हो ना? यस। हाय प्रिया, तू थिएटर पहुँच गई? हाँ। कौन सी फिल्म है? हीरो मिल गया। उसमें तो वो मसल वाला हीरो है। हाँ, वही है। मैं नहीं आऊंगी, मुझे मसल वाले हीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, कोई और फिल्म हो तो मुझे बताओ, मैं जरूर आऊंगी। पहले आ जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। बाय। डर गए क्या?
ड्राइव करते वक्त अपने हाथों से कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। यस प्रिया। अरे सुन, फिल्म देखना कैंसिल हो गया। अपनी शिल्पा की सर्जरी होने वाली है, ब्लड के लिए उसने फोन किया था। बी पॉजिटिव चाहिए। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ए बी पॉजिटिव है। सुनो, अगर तेरे पहचान वाले का किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ जा, मैं वहीं मिलूंगी। हाँ, ओके। बी पॉजिटिव वाला कोई है क्या? आई एम पॉजिटिव बिकॉज माई ब्लड इज बी पॉजिटिव। है। पता ना कौन सी नई फिल्म आई है। रुको देखता हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छी फिल्म डाउनलोड कर। ये मैं क्या देख? शिवा, इधर आ। हाय। हाय। चल गाड़ी में बैठ। बी पॉजिटिव। इनकी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई। चले। ओके। यहाँ क्यों आए? अरे यार, बात क्या है? यहाँ है। रुकना। मैं उसे कॉल करती हूँ। ओके ओके। बता ना, बात क्या है? चल ना तू। दिया। अंदर सर्जरी की तैयारी हो रही है। ब्लड ग्रुप की जरूरत है। कोई मिला क्या? ठीक है, चलो। देना है। टॉम, कुछ खाने को देना, सर चकरा रहा है, बहुत भूख लगी है। ये ले, तू बन खा। बन तू कुत्तों को खिला, मुझे संतरे देना। वो तो मैंने खा लिया। कहाँ आकर फंस गया मैं? यार सुन, तेरा दिल बहुत बड़ा है। एक अनजान लड़की के लिए तूने बिना पूछे अपना खून दे दिया। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम? नाम शीलू। शीलू। उस शीलू के बॉडी में मेरा खून तो दौड़ रहा होगा ना? और नहीं तो क्या? और उसे पता है ना उसके शरीर में मेरा खून है? अरे ये सब उसे बताना जरूरी नहीं है ना। अरे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा मैंने किसे खून दिया? छी, देख, ऐसा अच्छा काम करने के बाद हमें खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, खुद की तारीफ करने से फल नहीं मिलता है ना। फिर भी मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं मिल सकता, वो बेचारी आईसीयू में है। लो, ये जूस पी लो, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। सिस्टर, अब वो लड़की कैसी है? अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉम, शी इज फाइन नाउ। ओ ग्रेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फ्रेंड के ब्लड की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है तो ठीक है। टॉम, थैंक यू सो मच। लेकिन किस लिए? जब जरूरत ही तब आए ना, इसीलिए। इट्स ओके, एनी टाइम, है ना? तुझे तो मैं। दिया। टॉम, हम दोनों हॉस्टल जा रहे हैं, वहाँ से कुछ कपड़े लेने हैं। ओके ओके, हम भी जा ही रहे हैं, चलना। चल, और तुझे पता था। चलो। टॉम, वो ब्लड वापस तो दे देंगे ना? उसकी टेंशन मत ले। टेंशन मत ले मतलब? अरे खून तो मैंने दिया ना, मुझे बकरा समझाएगा? Once again, thanks, Tom. It's okay. मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ, फोन करना, पक्का फोन करना। Okay, bye. Yeah, bye. 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 अपना काम निकालने के लिए मुझे हलाल कर दिया, खून के बदले में सिर्फ एक जूस पिलाया। पता नहीं कहाँ कर फंस गया मैं, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, इतनी सी रुई दी है किसने के लिए। उसने कहा मुझे फोन करेगी। तूने उसे अपना नंबर दिया है क्या? मुझे पता था तू उसे नहीं देगा। हाँ ठीक है, गाड़ी निकाल। कौन सी गाड़ी निकालू? अरे गाड़ी नहीं है ना। तुझे तो मैं शॉर्ट करके रख दिया। ऑटो में चलते हैं। चल, ये दे मुझे, आइंदा तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा। तुम दो दिनों से जिम क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ। मन नहीं कर रहा, मुझे बस में जाना पड़ा इसलिए। गाड़ी क्यों नहीं ले गए? बस ऐसे ही गाड़ी लेकर नहीं गया। पकड़ो 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 पकड़ो। तुम्हें तो सलमान खान और संजय दत्त पसंद है ना? वो तो फिल्मों में, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है।
तुम्हें क्या काम है मुझे पता है। लात मारूंगा तुझे। ये हुआ ना मेरा बेटा। भैया जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे स्टेडियम लेके जाओ, मेरा पेंटिंग कॉम्पिटिशन। पेंटिंग कॉम्पिटिशन? और तू? टॉम इसे तुम छोड़कर आना, ऑटो वाला आया नहीं है। लाओ। मेरी प्यारी ग्रेसी, जब मैं अपनी बॉडी बना रहा होता हूँ तब तुम मेरे इतने करीब मत आया करो ना, कितनी बार कहा है तुमसे। क्या बच्चों के सामने भी। चाहिए क्या? क्या पेंटिंग बनाने वाला है? ओए, वापस कैसे जाएगा? पापा लेने आएंगे। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ ना। हाय विभा। हाय अंकल। हाय बेटा, मुझे लगा तुम आने ही नहीं वाली। ये जल्दी से जाता भी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। जब देखो अपने मुंह से बड़बड़ करता रहता है, कोई काम धंधा भी नहीं है इसे। ऑल द बेस्ट। जाना। बनाता हूं। थैंक यू। गुड जॉब। सो नाइस। वेरी गुड। लव। वेरी गुड जॉब डियर। वेरी नाइस। What's your name? विभा। कुछ तो बताओ ना, कैसी लग रही है? देखो क्या बनाया है इसने। ये क्या बोलने वाली है? This is so cute. तुम गए नहीं? चल क्या रहा है? अब 5 मिनट्स। ओके। कुछ तो बात करो, एक दूसरे को देखते रहोगे क्या? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में एज डिफरेंस कितना है? वैसे दिया बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, बस 15 years. 15 years? He's so cute. मुझे भी ऐसा ही एक छोटा सा भाई चाहिए था। और मेरा मन करता है मेरी दीदी हो। हाँ, yep. स्मार्ट है ये तो। ये स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है। Hey, he's so cute ना। दिया, मैंने तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। Why? तुम्हारा कैरेक्टर और ये पेंटिंग। मैं सच कहूँ, मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, सो आई जस्ट केम एंड जॉइन देम। तो बेकार में मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रही थी? Hey. तुम चुप रहो। वैसे नाइस टी शर्ट। थैंक्स। नाइस चूड़ीदार। थैंक्स।
बेचारे। मैम। हाँ सर, शुगरलेस। थैंक्स। ओह फिटनेस फ्रीक, शुगर फ्री एंड ऑल। वैसे मैं फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ओह तो तुम्हें मसल्स पसंद नहीं है और इसीलिए तुम जिम नहीं करते हो, है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। But you look good like this. दीदी मुझे चॉकलेट चाहिए। ओके। नहीं नहीं मैं उसे दिला दूंगा। क्या है? दीदी मुझे फोटो खींचना है। ओके हाँ निकालते हैं। सेल्फी लेते हैं। श्योर कम। या बस हो गया। थैंक्स। अब मुझे निकलना होगा। ओके सी यू। एक मिनट आपका नंबर दीजिए, सेल्फी सेंड करता हूँ। 996 11 00 00 00 00। तुमने नंबर याद नहीं किया ना? क्या बोल रहे? कोई जरूरत नहीं, मेरा नंबर लीजिए 9747 00 00 53। ओके बाय बाय सी यू। एक लड़की का नंबर मिलने के बाद भी उसे कॉल करने के लिए इतना सोचने वाला, पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो तू है। यू आर सच अ लूजर, तुम कुछ नहीं कर सकते, बेवकूफ कहीं का। दे मैं कॉल करता हूं। ए बैठ, कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉल करता हूं। ठीक है कॉल कर, तब तक मैं एक और बियर पी लेता हूं। सुनना क्या बात करूं बताना। अबे गधे की तुम, कम से कम हेलो तो बोल सकता है। हां हेलो, कुछ काम का नहीं। हेलो। हाँ बोलो। हेलो 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 हेलो। यू सीम टू हैव डायल्ड एन इनकरेक्ट नंबर, प्लीज चेक द नंबर एंड कॉल बैक। क्या हुआ? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। क्या नंबर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? नंबर कैसे नहीं है? देखा ना, अरे इसमें तो 9 नंबर है। मुझे धोखा दिया। तो इसका मतलब यह है अभी तक तूने जितने मैसेज भेजे उसे नहीं मिले। हर कोई काम ना सही ढंग से करना चाहिए। आ गया बड़ा 9 नंबर लेकर फोन करने। यार अब क्या करें? एक रास्ता है, पहले वो 9 नंबर टाइप करो, फिर आखिर में सारे नंबर उसके साथ जोड़ दो, कोई ना कोई तो नंबर उसका होगा ही। कैसे? कोशिश करो। पर कैसे? ला फोन मुझे दे, पहले हम एक से शुरू करते हैं। शफी। अब शफी भाई दिया है क्या? बुझने वाला है। किसी और को लग गया। अब दो ऐड करते हैं, देखते हैं। हेलो लड़की लड़की। हेलो ये दिया का ही नंबर है ना? कौन चाहिए आपको? हमें दिया चाहिए। मैं दिया तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं दीदी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, माफ कीजिएगा। आवाज बड़ी प्यारी थी उसकी। फोन मुझे दे, ये वर्कआउट नहीं होने वाला। अरे वर्कआउट होगा यार। ए चुप। चलो मान लिया वर्कआउट होगा, मगर इतनी रात को उसे कॉल करना ठीक नहीं है ना। अरे 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 हम मर्द है, हमें नहीं डरना चाहिए। ए चुप। अगर ऐसे करेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा, एक नंबर का डरपोक है। I'm still waiting for the picture. I'm still waiting for the picture. ये देख उसने मैसेज भेजा है। उसका मैसेज I'm still waiting for the picture. देखा मैंने बताया था ना लास्ट नंबर का ही गड़बड़ है। देखा क्या नंबर है? जीरो। जीरो भी तो एक नंबर है यार। जीरो लगाना हम तो भूल ही गए। सही है 0 1 2 3 हो गया तेरा काम। सुन कमिंग सुन। रिप्लाई आया क्या? जेरी इज सो क्यूट।
जेरी इज सो क्यूट, जेरी इज सो क्यूट। अब तू भी उसे रिप्लाई कर और उसके साथ ये वाली स्माइली भेज, ओके काम हो जाएगा। आखिर वो मेरा भाई है। उसका रिप्लाई जरूर आएगा, देखना आएगा आएगा। क्या मस्त स्माइली भेजी है, क्या हुआ? एक काम कर, ई वाली एक स्माइली भेज दे तू। ये हमारे पर्सनल टॉक्स हैं, तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? अरे मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ, मेरी बात मान ले यार। अरे पर मेरी बात तो कुछ नहीं होगा इसका। सोने का टाइम हो गया है क्या स्माइली? गोइंग टू स्लीप। क्या काम? पेंटिंग कॉम्पिटिशन, डॉग शो, कैट शो। एंगेजमेंट? अरे उसका एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट है? उसने मुझे बताया नहीं। यू डिडंट टेल मी। सॉरी फॉर व्हाट? ये ले पी, इससे तेरा गम दूर हो जाएगा। 100 ml में 32 कैलोरीज, तो एक बॉटल में 208 कैलोरीज। अगर हर बात में हिसाब करता रहेगा तो तुझे लड़की कहां से मिलेगी? अरे जा। परमेश्वर इस जोड़े को आशीर्वाद दे, आमीन। सुन, शादी होने के बाद हम उन्हें विश करेंगे और खाना खाकर चले जाएंगे, ठीक है? और तू वहां कोई नाटक मत करना, हाँ समझ गया? अरे हो सकता है उसकी कोई सहेली तुझे पड़ जाए। और हाँ, ये लड़का कहाँ का है? चुप करना। मिस्टर अल्फ्रेड जोसेफ और कैथरीन के बेटे विक्टर से शादी करके तुम उन्हें अपने पति मानने के लिए राजी हो? मैं राजी हूँ। ये तो मिस्टर फर्नांडिस और हेलिना की बेटी प्रिया को अपनी पत्नी मानने के लिए तुम राजी हो? हाँ, राजी। उसने प्रिया बोला ना? दिया, बोरीवली के अल्फ्रेड जोसेफ का बेटा विक्टर जोसेफ और मालाड के फर्नांडिस की बेटी प्रिया फर्नांडिस, इन दोनों की शादी से किसी को कोई एतराज है? हाँ, मुझे एतराज है। इसे तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, और वो लड़की क्या? वो नहीं है। हाँ, ये वो लड़की नहीं है तो फिर दिया? पिछले 3 सालों से हम दोनों का रिलेशन है। दुनिया में कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। प्यार व्यार ये रीति रिवाज सब हमने छोड़ दिया था। इस दुनिया को छोड़कर तुमने मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलने की कसम खाई थी। तुम और हम कभी अलग नहीं हो सकते। मुझे लगता है मैं किसी और की शादी में आ गया हूँ। बिल्कुल, तुम किसी और की शादी में आ गए हो। मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। पागल है क्या? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो ये लड़की नहीं है। आप लोग लगे रहो, एंजॉय कीजिए। क्या और किसी को यहाँ इस शादी से एतराज है? Thank you.
मैं तो डर ही गई थी, वो बिल्कुल पागल था ना। तुम क्यों हंस रहे हो? नहीं, मुझे लगा तुम्हारी एंगेजमेंट है। मैं जानती तुम ये सोचोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। ऐसा क्यों? बस यूं ही। हाय। हाय। हेलो। तुम अपना मन बदल लो वरना ऐसे और भी पागल आएंगे। अभी तक तो कोई ऐसा पागल नहीं आया है, पता नहीं कभी आएगा भी या नहीं। कितना है प्यार ये तुमसे कैसे कहें, मरते हैं हम भी तो तुम पे कैसे कहें। चाहे तुम्हें बेपनाये दिल सांसों में शामिल रहा जाए नाब तो याद तेरी हर पल। कितना है प्यार ये तुमसे कैसे कहें, मरते हैं हम भी तो तुम पे कैसे कहें। और चाहिए?
पापा दिया टॉम दिया कॉलिंग दिया कौन है इस बार मत पसंद बेटा चपाती चाहिए हेलो इतने हाफ क्यों रहे हो रात में भी एक्सरसाइज करते हो क्या नहीं प्राइवेसी के लिए बाहर आया हूँ क्यों तुम्हारे रूम में प्राइवेसी नहीं है क्या हाँ है तो लेकिन छोटू टैब मांगने के लिए कभी भी आ सकता है दिया तुमने डिनर कर लिया हाँ मैंने कर लिया और तुम हाँ मैंने भी कर लिया वो क्या है कि क्या कुछ नहीं कल बताती हूँ कल क्या बताओगी कल मिलते हैं सेम प्लेस गुड नाइट सेम प्लेस ला ना ना चांद कितना सुंदर दिख रहा है हाँ चांद सुंदर है एक 16 साल की सामान्य लड़की थी आपने फंसा दिया बचना बहुत मुश्किल है वो तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ तभी तो सलूशन मांगा है तुमसे जानते हो मैं कितना परेशान हूँ इस केस से बस एक बार किसी तरह से निकल जाऊँ बाकी तो मैं खुद संभाल लूंगा आपको पता है उसके एविडेंस के बारे में उसके मेडिकल रिपोर्ट से ये पता है मुझे और फिर उस लड़की ने मेरे बारे में एक डायरी में कुछ लिखा हुआ है मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर उस लड़की के हाथ की लिखी हुई वो डायरी वही प्रॉब्लम है उस लड़की की मौत का सबूत एकमात्र वही डायरी है वो हमें मिलनी चाहिए अगर डायरी मिल जाए तो सेफ हो जाऊंगा मिलने के बाद आगे देखेंगे एडगर किधर है वो गाड़ी में बैठा हुआ है वो हमेशा यही गाड़ी इस्तेमाल करता है क्या ऐसी बात नहीं है कि वो दूसरी गाड़ी में नहीं बैठता लेकिन इस गाड़ी से उसे अटैचमेंट है पुरानी गाड़ी से अटैचमेंट मिलना चाहेंगे नहीं नहीं मैं फोन करता हूँ ओके ठीक है बताओ ओके हेलो घर से फोन आया था तुम्हारे पापा सीरियस हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलकर क्या करूँ वो तुम्हारे पापा हैं एडगर जो भी हुआ उसे भूल जाओ ही इज डाइंग अपने आखिरी समय में वो तुम्हें देखना चाहते हैं अब उनको प्यार आ रहा है इतने दिनों से कहाँ था ये प्यार आप तो अच्छी तरह से जानते हैं चलिए बैठिए नहीं तुम खाओ Thank you.
गाड़ी में बैठो। उस तरफ
से बात करने के बाद मैं तुमको फोन करता हूं। मेरी का फोन था, वो उनके साथ ही थी, उनकी मौत शांति से हुई बोल रही थी। वो लड़का और लड़की मुझे चाहिए। उसकी गाड़ी का नंबर है हमारे पास, उससे हम उसे ढूंढ निकालेंगे, है ना? तूने देखा ना? क्या पता। और तूने? मैंने भी नहीं देखा। वो गाड़ी हम पहचान लेंगे, कहीं से भी उसे ढूंढ निकालेंगे भाई। वो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि हमसे पंगा ले सके। ये गाड़ी बनने से पहले वो दोनों मुझे चाहिए।
हाय हाय टॉम, हाउ आर यू? आई एम फाइन. क्या हुआ? वो कल जो भी कुछ हुआ उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दिया, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ. नहीं, वो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो, फॉरगेट इट. ओके, कब मिल सकते हैं? इवनिंग. इवनिंग, ओके. तो इवनिंग मिलते हैं. ओके, ठीक है. ओके, बाय बाय. ओवन स्पेशल है ये. ओवन स्पेशल है? हाँ. क्यों, टेस्टी है ना? मैंने बोला ना टेस्टी है. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ. बता ना. कुछ नहीं हुआ यार. ड्यूड, आओ तुम भी खाओ. इट्स ओवन केक मैन, हम गोवा से आते वक्त तेरे लिए लेकर आए हैं. बढ़िया. अच्छा, इट्स सो ऑसम मैन. जस्ट ट्राई इट मैन. मैं हाथ धो के आता हूँ. हाँ जल्दी आना, नहीं तो खत्म हो जाएगा. टॉम अभी तक क्यों नहीं आया? ये कहीं उसके लिए तो नहीं आए? ए, टॉम ने लफड़ा तो नहीं किया है? बिना बोले अंदर घुस गए. लेकिन ये है कौन? तुम एडगर को जानते हो? हाँ. ये उनके आदमी है. लेकिन इनका यहाँ क्या काम है? अरे उसकी गाड़ी बनवाने के लिए आए होंगे. अरे पर गाड़ी बनाने के लिए इतने लोगों का क्या काम? क्या यार, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम खाओ ना. अच्छा केक दे मुझे. चलो गए बोलो, अब तो खा लो यार. खाओ खाओ, बड़ा टेस्टी है. क्या हुआ माँ? मैंने कॉल कट किया, फिर से क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पास से गुजर रही थी तो जेरी को देखा तो सोचा मिलके चली जाऊं. माँ ये दिया है, मेरी फ्रेंड. हाँ हमारा परिचय हो चुका है. परिचय हो गया? दिया घर देखा तुमने? मैंने उसे दिखा दिया. मेरा कमरा वो भी मैंने दिखा दिया. अरे यार. टॉम तुम क्या पियोगे बोलो, दूध या बूस्ट? मुझे बूस्ट चाहिए. अब चोट कैसी है? नहीं मामूली सी चोट है. दिया गाड़ी कहाँ है? घर पर. बाहर निकालने के लिए डर लगता है. क्यों, डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना. बूस्ट खत्म हो गया है.
तुम अभी दूध पी लो। तो तुम डिग्री की पढ़ाई खत्म कर चुकी हो? हाँ, MBA। कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढती हो? सर्टिफिकेट्स मिलना बाकी है, फिर नौकरी की तलाश कर लूंगी। MBA अच्छा है, इसने BTech किया है, मगर क्या फायदा, वर्कशॉप में काम करता है। माँ, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ। हाँ, जो भी है। आंटी, मैं चलती हूँ। जा रही हो? लेट हो रहा है इसीलिए। आते रहना बेटा। ओके। दिया, तुम आई कैसे? ऑटो से, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं ऑटो स्टैंड तक ड्रॉप करता हूँ। माँ, मैं ठीक है बेटा। हाँ, चले। अरे, मेरा फोन जेरी के पास रह गया। एक मिनट, अभी लेकर आता हूँ। जेरी, फोन दे, फोन दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जेरी के बच्चे। ये लीजिए जेरी। थैंक्स। थैंक यू, सो स्वीट। क्या कर रहा है? बहुत शरारती है। नो, ही इज सो क्यूट। अच्छा, टॉम। अच्छा ठीक है, जाओ। दिया, तुम्हारी सहेली कहाँ रहती है? हाँ, वो वहाँ रहती है। वहाँ? हाँ। वहां रहती है। चलो। मैंने कहा था ना, टॉम इधर ही होगा, साथ में उसकी आइटम भी है। अरे, तू यहां पर है? जरा आना, एक मिनट आना। एक मिनट जरा, तू फोन क्यों नहीं उठाया? क्या वो फोन की रिंग नहीं सुनी? सुन, ए, तेरी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? क्यों, क्या हुआ? एडगर के लोग तुझे ढूंढने आए थे, तूने उसे मारा था क्या? उसने दिया को मारा, इसलिए मैंने उसको मारा। क्यों, क्या हुआ? तूने पता है किसको मारा है? तूने एडगर को मारा है यार। कौन एडगर? अबे देख इसे, ये एडगर को नहीं जानता। पागल है क्या तू? तू उसको नहीं जानता? अरे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसके आदमी दिया की गाड़ी को ढूंढ रहे। अच्छा है वो गाड़ी का नंबर नहीं जानते हैं, वो मॉडल और कलर से उसकी गाड़ी ढूंढ रहे। क्या करे यार, उसकी गाड़ी छुपा दे तो कैसा रहेगा? हाँ, गुड आइडिया। लेकिन इसकी क्या जरूरत? अबे तू महामूर्ख है, अगर उन्होंने यहाँ गाड़ी देख ली तो दिया को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? देख, गाड़ी को हम दिया के घर के अंदर छुपा देते हैं। नहीं, हम गाड़ी को स्टीफन के गैरेज में छुपा देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक्स यार, नाइस थिंकिंग, बहुत अच्छे। आओ मेरे साथ। क्या हुआ टॉम? मैं बताता हूँ, तुम्हारी गाड़ी काफी डैमेज हुई है ना, हमारे दोस्त के गैरेज में तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, वहां ले चलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और सस्ते में भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। दिया, तुम जाकर गाड़ी की चाबी ले आओ, हम अंदर नहीं आएंगे। ऐसे क्यों? यहाँ तक आए हो तो अंदर आओ ना। यार, हम यहाँ पहले भी कभी आए हैं क्या? अबे बकवास बंद कर। फिर कभी आएंगे, अभी टाइम नहीं है, वर्कशॉप भी बंद हो जाएगी। अरे स्टीफन कितने बजे तक रहेगा? वो स्टीफन 10 बजे तक होगा, है ना? हाँ, 10 बजे तक होगा वो। तब तो बहुत टाइम है। आओ ना 5 मिनट के लिए, फिर पापा से भी मिल लो। तू जल्दी क्यों जाना चाहता था? कोई बात है क्या? अरे चुप करना। हाँ, आप लोग बैठिए ना। वो देख, तेरे ससुर पधार रहे हैं। ये है टॉम। हाय। हाय। मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो। थैंक यू। थैंक यू। अबे पूरा मिसमैच है ये तो, लड़की इतनी खूबसूरत और ये। अब वो शायद उसकी माँ पर गई होगी। ओ, गलत टाका भिड़ गया है? अबे मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज होगी। हाँ, वही होगा, वो हमें देख रहा है। क्या बात है? वो कुछ नहीं, वो आपसे पहचान नहीं हुई ना, इसलिए हम जरा। ओ, टॉम के बारे में तो दिया ने बताया, आप दोनों कौन है?
अंकल आई एम टॉनी, ये शिवा। वो मैं शिवा हूँ। तुम लोग साथ में क्यों आए हो? अंकल बात ऐसी है, हम दिया की गाड़ी रिपेयर के लिए ले जाने आए हैं। उसकी हालत देखी ना, जिस तरह यह चलाती है उसे और धक्के खाने चाहिए। दरअसल वो गाड़ी दिया की नहीं है, बल्कि वो गाड़ी मेरी है। ओ, तब तो आपने इस गाड़ी को पूरी तरह से मॉडिफाई करवाया है ना? और नहीं तो क्या? इसका मतलब आपको कार का बहुत क्रेज है। कार से ज्यादा क्रेज ड्राइविंग का है। आई वॉज ए वैगाबॉन्ड। ओ वैगाबॉन्ड, हम जाकर हैं। वैगाबॉन्ड, मैं बहुत घूमता फिरता था। ओ ट्रिपिंग, कूल, हम भी बहुत ट्रिपिंग करते हैं। शिवा को भी ट्रिपिंग पसंद है। हाँ, सही कह रहे हैं। गेट अप, कम गेट अप मैन, कुछ दिखाना चाहिए। कम, लगता है पुरानी यादें दीवार पर टंगी हुई है, है ना? देखो 75 में राजस्थान और 80 में कश्मीर, फिर देहरादून, और यहीं पर मैं इस गुड़िया से मिला। गुड़िया? गुड़िया दिया की माँ। अब बहुत ही रंगीले इंसान थे क्या? पापा आप भी ना सवाल जवाब करने लग गए। टॉम, ये थी मेरी गाड़ी, लेकिन मुझे उसे बेचना पड़ा। अभी वाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? परफॉर्मेंस तो ठीक है, मगर कलर कोई खास नहीं है। वो है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा कलर तो अच्छा था। कलर को क्या हुआ? अच्छा है, पर थोड़ा सा गर्लिश कलर है। अच्छा, हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है। हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही है। अगर आप कहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। अबे गाड़ी तू चलाएगा? नहीं मैंने चलाऊंगा। तू चलाएगा? तुम ठीक कह रहे हो। अबे चुप ना, एक काम करो, तू चला, कलर चेंज कर दो। अच्छा कलर करना, ये लो। ओके अंकल, बदल देंगे। ब्लैक कलर अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और आगे तो स्कल भी लगा देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं नहीं वो सब मत करना, ब्लैक ही रहने दो। ठीक है, ठीक है अंकल, तो हम गाड़ी को लेकर चलते हैं। टॉम, मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, तुम इन्हें छोड़कर आओ। कितना टाइम लगा यार? क्या हुआ? वो गाड़ी बनवाने आए हैं। वो तो समझ गया। हाँ। लेकिन ये सब क्या है? हाँ, वो क्या है ना, रास्ते में थोड़ी सी भूख लग गई थी, इसलिए खाने के लिए कुछ ले लिया। तुमने कुछ खाया नहीं क्या? नहीं। पागल हो गया क्या? क्या हुआ? पहले अपना पेट तो भर लेना चाहिए था ना। अभी तू मुझे छोटा बच्चा समझता है क्या? भूख लगी है तो पहले खाना खाना चाहिए कि नहीं, समझ में नहीं आता है। अब बस भी कर। लो ये भी आ गया। ये कौन है? ये गाड़ी जो है वो टॉम के फ्रेंड की है। टॉम को नहीं जानते क्या? मैं उसे कैसे जानूंगा? और तुम्हारे साथ ये जोकर कौन है? ये टोनी है, मेरे साथ में काम करता है। हाँ टॉम, ये स्टीफन है। स्टीफन भाई, गाड़ी पूरी रेडी करनी है। हाँ। और इसका कलर ब्लैक करना है। ब्लैक हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। रिच लुक चाहिए? कलर मैट चाहिए या ग्लॉसी चाहिए? ग्लॉसी थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैट। फ्रंट बिल्कुल खाली है, फ्रंट में स्कल लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं स्कल नहीं चाहिए। नहीं 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 चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। ठीक है, नहीं लगाऊंगा। तोड़ेगा क्या? हमेशा यही करता है तू, कब तक छोड़ूंगा तुझे? पहले 2 महीने की तनख्वाह दो, उसके बाद ही तुम्हारी बात सुनूंगा। जब देखो तब डांटते ही रहते हो, पैसे का नाम सुनकर बोलती बंद हो गई। चार दिन लगेंगे पूरा काम करने में, शनि रवि सोम मंगल, बुध को मिलेगा, चलेगा ना? हाँ कोई बात नहीं है। हाँ? एक लफड़े में गाड़ी की हालत हो गई थी तो हमने सोचा यहाँ रिपेयरिंग के अलावा गाड़ी पूरी तरह सेफ भी रहेगी। लफड़ा हुआ था? हाँ थोड़ा सा। तुम जाओ। जाओ ठीक है, जाओ जाओ। ए, चल जल्दी से, तू भी निकल। चल चल। ये आदमी ना अजीब किस्म का है, ऐसी अजीब सी बात। निकल जोकर। मुझे ये आदमी अच्छा लगा। ए शिवा,
इसका क्या करें हम? इसे अपने घर ले जाकर पूरी तरह ठूस लेना। पूछ रहा है खाने का क्या कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है अभी तक? ये थॉमस का घर है ना? बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? उस पर नाम क्या लिखा है? अरे थॉमस सर यहाँ पर रहते हैं ना। एक बार में समझ में नहीं आया, ये नहीं है। हमको बोला यही घर है। वो गाड़ी जो डैमेज हुई वो कहाँ पर है? सुनो, यहाँ कोई थॉमस नहीं रहता। तुम उस तरफ जाकर पता कर लो। आप अकेले रहते हो? घर पे कोई बच्चे नहीं दिख रहे। क्यों? एक बार में समझ में नहीं आया? हाँ चलो निकलो। चल। हम तो मॉल में एक दूसरे को मिले थे, है ना? नहीं, मैं तुम्हें उससे पहले भी देख चुकी थी। चली माहिया लेके तू मेरा दिल, बरसा है सावन कर दे मुझ पे तू। पहले प्यार की बारिश रिमझिम रिमझिम, बरसा बूंदे 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 बूंदे। मेरे हर लम्हे में सिर्फ तुम हो, मेरे
क्रेजी ये दिल मुझे कर दिया है दीवाना आशिक वारा तूने मेरा चैन करार बिछीना है तूने कहाँ चली 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 माहिया लेके तू मेरा दिल बरसा है सावन कर दे मुझ पे तू पहले प्यार की बारिशें रिम झिम बरसा बूंदे 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 चली चली माहिया लेके तू मेरा दिल बरसा है सावन कर दे मुझ पे तू पहले प्यार की बारिशें रिम झिम बरसा बूंदे 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 वाह आइटम मस्त है क्या बकवास कर रहा है यार हाँ फिर क्या किया उसने किस ली क्या क्या कर रहा है किस लेना भी कोई बड़ी बात है क्या जो तुम इतना शर्मा रहे हो सारा काम शादी की बात करोगे क्या और क्या ये ले तू तो बिल्कुल लल्लू है दिस इज 2016 मैन ग्रो अप बाप रे तेरे पिताजी आ रहे बिजली का बिल भर दिया हाँ भर दिया रिसीट अंदर है बाकी के पैसे किधर है बाकी ये बाकी के रखना भूल गया जिस दिन भी तुम इधर बैठते हो हजार दो हजार का फर्क जरूर पड़ जाता है सही बात है क्या नहीं टॉम भूल गया होगा शायद अंकल वैसे अभी इसकी उम्र भूलने की नहीं हुई है वो वहां पर कौन लोग खड़े हैं दो तीन दिनों से देख रहा हूं उन्हें ये वही लोग हैं जो गैरेज में आए थे पिताजी हाँ एक प्रॉब्लम है मैं पहुंच गया तुम कहाँ मैं इस तरफ हूँ तुम यहाँ आ जाओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया हम घर पर मिल सकते थे क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ फोटो खींचनी है ओके ओके आया मैं यहाँ हूँ कहाँ यहाँ टॉम Thank you.
तुम जाओ, जो वो उसके बारे में मत सोचना। टॉम, डैडी घर पे नहीं है, जब तक वो नहीं आते तब तक तुम मेरे साथ रहो ना। पिताजी कहाँ गए? डैडी के कल एक एक्सीडेंट में मारे गए, मैंने बताया था ना दास अंकल, वो उन्हीं के फ्यूनरल में गए हैं। टॉम, वो लोग फिर आएंगे, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें उनसे बात करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम्म, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। हेलो। हेलो, अरे तू कहाँ है? मैं दिया के घर पे हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई है यार। हाँ, मुझे पता है, वो लोग हमारे वर्कशॉप आए थे, दिया के घर का पता पूछ रहे थे। देख, दिया वहाँ सेफ नहीं है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ, ठीक है? हेलो, हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुमने इस आदमी को ठीक से देखा क्या? एक आदमी को। अच्छा, और गाड़ी कौन सी थी? एक ब्लैक स्कॉर्पियो। तुमने नंबर नोट किया क्या? नंबर याद करने से भी कोई फायदा नहीं है, फेक नंबर होगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, वो एडगर के ही आदमी होंगे। नहीं थे। पर वो लोग होटल में आए थे और तुम लोगों का पीछा भी किया, उसके आदमी ने तो और कौन हो सकते हैं? यार, एडगर के आदमी तो मुझे उठाएंगे। हाँ, पर हम उसके पिताजी को क्या जवाब देंगे? अभी उसके पिताजी घर पे नहीं है, शाम को वापस आएंगे। उनके वापस आने से पहले दिया घर पे होनी चाहिए। उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं, यही ठीक रहेगा। चलो। वो गाड़ी हाँ हमारी वर्कशॉप में आती है, ब्लैक स्कॉर्पियो, हमारा लोगो भी लगा था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। तो ठीक है, चलो पता लगाते हैं। नमस्ते सर। कहाँ है? अंदर है सर। कुछ बोला गया? उस लड़की को कुछ नहीं मालूम सर, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आज शाम तक फाइल मिल जाएगी सर, आप चिंता मत कीजिए। मुझे जानती हो, पुलिस वाला हूं, मुझे जो चाहिए वो मिल गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत खेल खेले हैं, मेरे खिलाफ कई केस चल रहे हैं और मुझे सर्विस से सस्पेंड भी किया गया है। बहुत मुश्किल से मुझे मेरी सर्विस वापस मिलेगी। अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। वैसे बता दूं, जिस वकील की मौत हुई है ना, वो तुम्हारे पिताजी का फ्रेंड था, उसकी दी हुई फाइल किधर है? उन्होंने हमें कोई फाइल नहीं दी है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मगर उस वकील ने तो मरते समय कुछ और ही बताया था, बताया था कि फाइल तुम लोगों को दिया था। जरा याद करके देखो ठीक से, ओके? तब तक तुम्हारे पिताजी से पूछता हूँ, उन्हें कुछ मालूम हो। इसके पिताजी किधर है? नीचे सर। हाँ। इन दोनों को एक ही जगह पर मत रखना, ठीक है सर? इसे कहीं और रखो, ठीक है? टॉम, तुम्हें वो जगह मिली? कॉलोनी पहुंचते ही फर्स्ट लिफ्ट लेना, और हाँ टॉम जरा होशियार रहना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, ठीक है? पहुंचे क्या? नहीं, मैं वहां पहुंच गया। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। तेरी जिम्मेदारी है, सावधान रहना, ठीक है? ठीक है, चल चलता हूँ। किधर है? अच्छा, वो लड़की क्या रे? Oh.
मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, अंदर है, अंदर है, अंदर है, जाओ। अंकल, अंकल, दिया कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। मेरी स्टिक देना, वो रही। सर ऐसे बोले सर, मुझे ना मारे, बहुत दर्द हो रहा। दिया कहाँ है? सर, सर उसे ऐसी प्यार कर लेगा सर। मुंह बंद कर। वो लोग कौन है? आपको क्यों उठा कर ले गए? वो उनको वो फाइल चाहिए, मैं उसे लेना भूल गया था। गाड़ी किधर है वो तुम जानते हो? दिया कह रही थी टॉम को पता है, वो कोई स्टीफन के वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए दी हुई है। ये बात मैंने उनको बता दी थी। वो लोग फाइल मिलने के बाद दिया को छोड़ देंगे ऐसा बोल रहे थे। अगर वो फाइल उनको मिल गई तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? उस एसीपी ने किसी गरीब लड़की के साथ रेप किया है और उस फाइल में एसीपी के खिलाफ सारे सबूत हैं। जब मैं एडवोकेट दास के अंत्येष्टि में गया था तो दास के जूनियर वकील ने मुझे बताया वो फाइल एसीपी को मिल जाएगी तो वो बच जाएगा। क्या हुआ? तू अंकल को मेरे घर छोड़ दे। हाँ। मैं पिताजी से बात करता हूँ। तूने स्टीफन को फोन किया क्या? हाँ, मैंने फोन कर दिया है, उसने बैग निकाल कर रख दिया है, जाकर ले ले। ओके। हाँ। टॉम, अंकल आप हिम्मत से रहिए, मैं दिया के साथ वापस आऊंगा। तुम दो दिन में गाड़ी देने वाले थे, अब तो दो हफ्ते हो गए। फॉल्ट ढूंढा कि नहीं ढूंढा? आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे सोना ढूंढने के लिए कहा था। मुझे गाड़ी बनाने दीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए। मेरी गाड़ी आज ठीक कर, मैं गाड़ी लेकर ही जाऊंगा। मेरा एक दोस्त आया, उसे दो मिनट में मिलकर आता हूं। शिवा ने फोन किया था, बैग अंदर लटकाया हुआ है, तुम अंदर जाकर वो बैग ले लो। वो मुझसे पैसा मांगने आया था सर। उसके दोस्त अपना कपड़ा यहाँ छोड़कर गए हुए। गाड़ी बना जल्दी कर, काम ही तो कर रहा हूं ना। यही गाड़ी है ना? कहाँ गया?
दोस्त वोस्त नहीं था, सिर्फ जानता हूँ इतना ही। इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। अब वो लोग स्टीफन को मारेंगे और स्टीफन मेरे डिटेल्स उन्हें बता देगा। पर वो ऐसा तो नहीं करेगा, और उसे तो तुम्हारा घर का पता मालूम नहीं है। तुझे मालूम है ना? ओह माय गॉड, मतलब वो मुझे पूछेंगे? कुछ दिनों के लिए तू अपने घर मत जाना। हेलो टॉम। कौन? सुनो, तुम्हारे हाथ में जो फाइल है ना, वो मेरी है। कब और कहां दे सकते हो मुझे? कौन था? जब भी कोई जरूरी बात करने जाओ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम जरूर होता है ना? नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं था, मैंने कट किया था। यार कौन है वो? बताता हूँ। हेलो 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 टॉम। दिया ला। टॉम, अगर तुम वो फाइल लेकर यहाँ नहीं आए तो मैं इसे मार डालूंगा। अगर मैं नहीं आया तो तू क्या करेगा? उसे मार डाला तो ये फाइल नहीं मिलेगी। अभी तेरी जरूरत की चीज मेरे हाथ में है, इसलिए धमकी मत दे। मैं जो बोल रहा हूं बस चुपचाप सुनता जा। जहां मैं बोलता हूं दिया को ले आना। ओके। फाइल दे दूंगा। एक फोटो लेता हूं। हेलो। ए वकील, एक हेल्प चाहिए तुम्हारी। ओके सर, मैं फोन करता हूं सर। ओके एडगर। मेरा फोन कट करके तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार कहां समझ रहे थे ना कल के दुश्मन? ये मेरे से बार्गेन कर रहा था, मार डालूंगा याद रखना। अब बता फाइल किधर है? दिया कहां है? देखो भाई, अगर इज्जत से पेश आए होते तो तुम्हारी लड़की तुम्हारे साथ होती अभी। तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ बैठे। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। वैसे तुम्हारा बनाया हुआ स्कीम बहुत पहले पुराना हो चुका है। टॉम, आई एम बैक। तुम उस एसीपी को फाइल दे दो और मेरे अड्डे पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिया मेरे पास है और तुम्हारा भाई भी। पिताजी, जेरी। मैं स्कूल पहुंचता उसके पहले वो उसे ले गए। एडगर ने उसे उठाया। क्या चाहिए उसे? मुझे वहां आने को कहा है। टॉम, यदि कोई ललकार रहा है तो उसका जवाब दो और दोनों भाई घर वापस आ। फाइल मेरे हवाले कर दो। मैंने तो तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया, लेकिन वो एडगर है, उसे जानते हो ना? उसके पास आदमी है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे बेटा। क्या मिलता है खतरों से खेलकर? मजा आता है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, सर प्लीज, इसे एडगर देख लेगा सर। चलिए छोड़ मुझे, चलिए तो मैं सर देख लूंगा। चलिए सर, खतरों से खेलने में मजा आता है।
छोड़ उसको, थोड़ी देर वेट करो, सर को आने दो। इसे शायद वो लड़की नहीं चाहिए। सही बोला, इसे लड़की नहीं चाहिए, लड़की को तो हम रख लेंगे। पहले इसे सबक सिखाते हैं। उस दिन का हिसाब चुकाने के लिए तेरा कब से इंतजार कर रहे थे बे? उसके लिए इतने लोग काफी हैं क्या? आने के पहले थोड़ा सा सैंपल दिखा देते हैं। पकड़ो इसे।
छोड़ दो मुझे, उससे कहो ऐसा ना करे। मत मारो मुझे, मुझे पायल से बेटा। फिर तूने मुझे क्यों मारा? लड़की को नहीं ले जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई कार टॉम, मेरे पिताजी के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था। मेरी समझ में एक बात नहीं है, वो मुझे पसंद करते थे भी या नहीं, आई डोंट नो। काफी समय से हमारे बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई। जब मेरे पिताजी मरने वाले थे तब सबने मुझसे कहा आखिरी बार उनसे मिल लो, उन्हें शांति मिल जाएगी। जब मैं आखिरी बार अपने पिताजी से मिलने जा रहा था, तुम दोनों की वजह से मैं उन तक पहुंच नहीं पाया। पिताजी चल बसे, उनके मरने के बाद मुझे पता चला मेरे हिस्से का आधा हिस्सा उन्होंने किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और ऊपर से तेरी वजह से मुझे नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान जो तू नहीं भर पाएगा। मुझे तू चाहिए था, तभी मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती, उतना काफी था। जब मैं तुझे मार डालूंगा तो मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। तू खत्म होने वाला है, घर वालों को फोन करके बता दे कि तू घर वापस नहीं आने वाला। मैंने पिताजी से वादा किया है मैं घर वापस आऊंगा।
सच बताऊं तो मैंने तुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, और जब तूने मुझे मारा तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। तेरे जैसा आम आदमी मुझे मार कर चला गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ पल के लिए मेरे ही आदमी ये सोच रहे होंगे दैट यू आर बेटर देन मी, इसलिए मुझे उनके सामने तुझसे जीतना था। जब तक मैं तुझे जान से नहीं मारता, मेरा ईगो ठंडा नहीं होता। भैया, उठा भैया। ओहो, तू बुलाएगा तो ये उठ जाएगा, तो बुला। वाह, अब मजा आएगा। We'll be right back.
तेरे बाप की दी हुई गाड़ी के साथ बहुत लगाव है ना? It's not just about my girl. तू कभी भी मुझे ढूंढ कर आ सकता है, पता है? मैं घर जा रहा हूं. अरे चुप, चल घर चल. बच गई ना बैंक? बस सर, पंचर हो गया. तुम्हें कैसे मालूम? देखता हूं सर. सर पंचर ही है. कल ही तो नया टायर लगाया था. पूरा पंचर है सर. दिमाग खराब कर रहा है. वकील सर, ने वो फाइल ली ना? हाँ ले लिए सर. अब आप सेफ हो गए हैं. देखिए दोबारा ऐसी हरकत मत कीजिएगा. सर, किसी ने ये रख दिया नीचे. दो है, देखो तो. ये किसने रखा होगा? Let it go. क्या चाहिए सर? वो बैग दीजिए ना. दे दीजिए ना सर, हंसने से कोई फायदा नहीं होगा. तुम हो कौन? इन सब के लीडर हो क्या? हाँ, नाम है स्टीफन, बहुत गुस्से वाला स्टीफन. अपना 5-6 साल पुराना वांटेड लिस्ट देखिएगा, मेरा नाम जरूर दिखेगा. धमकी दे रहा है? हाँ सर. ये तो बंदूक है, इसके बारे में तुम्हें बताया ही नहीं था. पुलिस है ना, बंदूक हो सकती है. शिवा,
मैं मर जाऊंगा तो मुझे दफनाओगे ना? घबराओ मत, पहले से गोली तो चलाने दो। हे, क्या हुआ? डर गया क्या? एसीपी साहब, ये सब चूहे हैं, इनको क्यों मार रहे हो? क्या सर, सर्विस रिवॉल्वर है ना, इसे कभी चलाया ही नहीं, गोली निकलेगी क्या? स्टीफन, स्टीफन भाई, क्या? स्टीफन, 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 स्टीफन भाई, क्या किया? स्टीफन, स्टीफन भाई, स्टीफन, 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 उठ मेरे भाई। ये तो मर गया, एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने। एक केस सुलझा नहीं है, दूसरा केस तैयार हो गया आपके सामने। गोली मैंने नहीं चलाई यार। बिना गोली चलाए कोई मर जाता है क्या? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्टीफन भाई, खून भी नहीं निकला। अरे खून की बात क्या कर रहा है, मर गए ना? स्टीफन, स्टीफन भाई, स्टीफन, स्टीफन, उठ जाना। स्टीफन उठ भाई, फंस गए ना? वो मर गया क्या? तुम मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। उठ बे जल्दी, ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं लगता है मुझे। अब चलो यहाँ से। गोली मैंने नहीं चलाई थी। अरे यहाँ से चलो ना। ये ऐसा कैसे हो गया यार? चलो। तूने मेरे स्टीफन भाई को मारा। बचपन से इसने मुझे पाला पोसा है, कमीना। टाइम हो गया ना? ये कौन है? क्या बात, आखिर इसका सीन क्या है? थोड़ा भी खून नहीं। इस आदमी को क्या हुआ है? अब वो मैंने इसे मारा। शिवा, मेरे बच्चे, आज तुम पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तो इसका मतलब स्टीफन भाई आप मरे नहीं? नहीं, मुझे एक आवाज सुनाई दी थी। क्या, एक साउंड से डर गए? अरे नमूने, देख मैं तुझे भी बताता हूँ कौन डरता है। अरे शांत हो जाओ भाई, आपको इस चूहे ने बचा लिया आज। मुझे शिवा बोलो। हाँ, आज तुमने कमाल कर दिया, मैं तुम पे बहुत खुश हूँ बच्चे। थैंक यू। चलो अब चलते हैं। स्टीफन भाई, हम उस फाइल को लेकर सीधा कमिश्नर के ऑफिस पहुँचते हैं, फाइल उनको दे देंगे। चलो मेरे साथ। इस आदमी का क्या करें? उसे रिलैक्स करने दो। हेलो टॉम, shine next